तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन होटल का खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। नए वीडियो में सत्येंद्र जैन के बिस्तर पर तीन अलग अलग डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तरह तरह के व्यंजन रखे हैं। साथ ही सत्येंद्र जैन फल खाते भी दिखाई दे रहे हैं। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक जेल में रहने के दौरान सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ गया है, जबकि उनके वकील ने अदालत में दावा किया था कि उनका वजन 28 किलो कम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। पहले रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बताया गया, किस प्रकार से मालिश चंपी हेड मसाज फुट मसाज हो रहा था सत्येंद्र जैन का, और अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कि सत्येंद्र जैन दिखाई देते हैं कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं दो दो व्यक्तियों के द्वारा, और खाना सैलेड ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है या ये VVIP करप्शन ट्रीटमेंट और करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि सत्येंद्र जैन ने कुछ दिन पहले ही जेल में सही खाना न मिलने का आरोप लगाया था। वीडियो सामने आने के बाद जैन के उस दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का ये पहला वीडियो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जैन तिहाड़ जेल में मसाज कराते हुए नजर आए थे। सत्येंद्र जैन के मसाज वीडियो के बचाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जैन को चोट लगी है और वह फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, लेकिन मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब ये जानकारी सामने आई कि सत्येंद्र जैन को मसाज दे रहा व्यक्ति कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक कैदी है जिस पर बलात्कार के आरोप हैं। इन दोनों ही वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आक्रामक है। दिल्ली नगर निगम चुनाव से ठीक पहले सामने आई सत्येंद्र जैन की इस तरह की वीडियो से आम आदमी पार्टी फिलहाल असहज है और भाजपा इसका पूरा फायदा उठाते दिख रही है। मसाज वीडियो को जारी करने के बाद मामले की जांच के लिए उपराज्यपाल VK सक्सेना को भाजपा ने चिट्ठी भी लिखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।